अब कुछ लोगों के ऐसे पार्टनर होते हैं जो बार बार अपने पार्टनर से झगड़ा करते हैं एंड झगड़ा करने के बाद उनको ब्लॉक कर देते हैं। फिर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, महीने के बाद फिर से चीज़ें होती हैं एंड फिर वैसा ही एक झगड़ा एंड रिजल्ट आपको ब्लॉक करके वो लोग चले जाए। तो कुछ लोग ना ऐसी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या मेरा पार्टनर बार बार ब्लॉक कर रहा है। इसका सोल्यूशन होता है, इसका परमानेंट सोल्यूशन होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत है। और एक रीज़न ये भी है कि अभी आप ना हिम्मत नहीं दिखा रहे उनके सामने और इसी कारण से वो आपके साथ ये झगड़े और बार बार ब्लॉक करने वाली हरकत करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपनी धाक हमेशा बना कर रखना चाहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को हमेशा अपनी बातें फॉलो करवाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं। आपने देखा जब छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें मनवाना चाहता है, अगर उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती है और उनके पेरेंट्स मना करता है तो वो क्या करता है, वो रोने लगता है, लौटने लगता है। ठीक है, ऐसा मतलब बंगाल बच्चा देखा कि उनके पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को कुछ जो उसको चाहिए खरीद कर देना पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि वहाँ पर ना उनके पास उनका कंट्रोल है। अगर कुछ भी पेरेंट्स मना करते हैं तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के सामने रोने लगूंगा। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मेरी बात पे कन्विंस होना ही पड़ेगा। ये आखिरी उनके पास एक दाव होता है जो पेरेंट्स के साथ बच्चा खेलता है। अन ऐसे पार्टनर वो जो ये बड़े बच्चे वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, उनकी भी कुछ ऐसी हरकत होती है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसी वो चीज़ें मनवाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो वो चाहता है तो उनको पसंद नहीं आएगा। उनका तो यही है कि भाई सारी चीज़ें ना मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जब वैसी चीज़ें नहीं होती तो वो क्या करते, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अब वो ना एक्चुअल में आपके डर का फायदा उठाते हैं। आप किन चीज़ों से डरते हो कि ये हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए, यहाँ से ब्लॉक हो जाए, अलग हो जाएंगे? तो ज़्यादातर बार हमें भी ऐसे लगता है कि ब्लॉक करने का मतलब वो रिलेशन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी शायद ऐसा लगता होगा कि मेरी बात नहीं मान रहा है, इससे मेरे को कभी रखना ही नहीं। फिर लेकिन आप दोनों के बीच का बॉन्ड होता है तो फिर से चीज़ें वापस शुरू होती है। तो आपके इस डर का ना वो फायदा उठा रहा है, क्योंकि तुम डर रहे हो इसलिए वो डरा रहा है, क्योंकि तुम ब्लॉक होने से डरते हो तो वो आपको धमकी देते हैं कि ऐसा कर, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज दो चीज़ें खत्म। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने कुछ बोला उनको अच्छा नहीं लगा या कुछ चीज़ें वो मनवाना चाहते हैं, जहाँ पे झगड़ा कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे कूल हो जाओ। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन ना दिखाओ कि ब्लॉक करें, एकदम पीसफुल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर की हड़बड़ी है ना कि यार ब्लॉक मत करना, ब्लॉक मत करना, एंड ब्लॉक करने के बाद भी आप उनको कहते हैं कि नहीं प्लीज़ बात करो, ऐसा चीज़ नहीं है। जिस तरह की चीज़ें तुम्हारे अंदर है ना एग्जैक्टली वैसी भी चीज़ें उनके अंदर होती है, लेकिन तुम दिखा रहे हो ना तो वो नहीं दिखाएंगे, उनको दिखाने की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है। बस वो ब्लॉक कर दे, जो भी कुछ कर दे, उससे कुछ मतलब टेंशन वेंशन मत दिखाना, तुम्हें बस रिलैक्स रहना है उनके सामने। ओके, इस टाइम पे ना हो सकता है कि जब तुम ऐसा करो तो लंबा चलेगा, ये उसको पता है कि 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, शायद हर बार आप सामने से जाते थे या ऐसे कुछ करते थे, लेकिन उनको अब पता चलना चाहिए कि यार मतलब ऐसा करूँगा तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो हल जाएंगे अंदर से, हर बात तो यही होता था ना, इसीलिए तो वो करता था। अब वो आपको अनब्लॉक भी करेगा एंड फिर से ऐसी हरकत क्यों नहीं करेगा, इसका एक रीज़न है कि अब तक आपने क्या किया कि हर बार उनको रिक्वेस्ट की कि ब्लॉक मत कर, या ब्लॉक करने के बाद भी आपने रिक्वेस्ट की कि उनको ब्लॉक से निकाल दिया जाए। ठीक है, इट मीन्स कि ब्लॉक करने से अब तक आपको बहुत फ़र्क पड़ता था, ठीक है, एंड अब उसने ब्लॉक किया तो आप ऐसे उनके सामने रिएक्ट करो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे दोस्त, तब सामने वाले को फ़र्क पड़ना स्टार्ट होता है। तो जब कोई आपको ब्लॉक करे तो ऐसा दिखाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड इसी कारण से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब ना वो सोचेगा ऐसे कि जो लड़की मेरे लिए रोती रहती थी, रोता रहता था, थोड़ी सी भी धमकी देता था, अब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो लोग ये चीज़ें ना सहन नहीं कर पाएंगे, जल जाएंगे इन चीज़ों से। तो इसके लिए वो वापस आपके पास आएंगे एंड ऑफकोर्स वो ऐसी हरकत करना ही भूल जाएंगे। तो आपका पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक करता है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन है, हो सकता है कि जब वो ब्लॉक करे तब ये पीरियड थोड़ा लंबा चले, लेकिन आपको झुकना नहीं, अगर झुक जाओगे तो हर बार वो झुकाएगा, अगर नहीं झुकोगे तो आपको झुकाना छोड़ देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके सारे यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।